दाल तो घर पर हम रोज ही खाते हैं, लेकिन आखिर रेस्टोरेंट में दाल का डिमांड इतना क्यों है, इसका कारण क्या है? आज इन्हीं सारी बातों को मैं बताऊंगी, जिससे आप घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा दाल का स्वाद आपको मिलेगा। मैं महिमा मोसेस और मोसेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। इसे बनाने के लिए आधा कप तुअर की दाल लिया है मैंने, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। इसे हम 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लेंगे, और साथ में मैंने एक और दाल का इस्तेमाल किया है, मसूर का दाल भी यहाँ पर मैंने ले लिया है, जो कि आधा कप है। दाल को 2 से 3 पानी में अच्छे से धो ले और पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर इसे 20 से 30 मिनट के लिए सोख करके रख दे। 2 तरह की दाल का इस्तेमाल करने से फ्लेवर तो अच्छा आता है और साथ में टेक्सचर भी अच्छा आता है। जो मसूर की दाल है वो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इससे क्रीमी टेक्सचर जो है वो मिलता है, और तुअर की दाल से जो एक दाल का टेक्सचर है वो आता है। आप चाहे तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गंज में बना रही हूँ, तो गंज में मैंने दाल के लिए पानी ले लिया। यहाँ पर मैंने 3 कप पानी लिया, तो 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी बहुत ही इनफ होता है। जो दाल है हमारा वो सोख हो चुका है, अच्छे से फूल भी चुका है, तो अब हम इसे गंज में डालकर पकाना है। तो इसे सबसे पहले मैं गंज में डाल लूंगी। एक मीडियम साइज का प्याज है, जो कि मैंने बारीक चॉप कर दिया है। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर दिया है। 3 लहसुन की कलियां ली है, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर दिया है। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर दिया। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। 1 हरी मिर्ची ली, जिसे बारीक चॉप कर दिया। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को एक हल्का सा मिक्स देंगे और उसके बाद हम इसे पका लेंगे। गंज में पका रही हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट इसे पकने में लग जाता है। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो 4 से 5 सीटी में ये डन हो जाता है। इसे ऐसे ही छोड़ना दे, बीच बीच में चम्मच चला के चेक करें। तो यहाँ पर 10 मिनट बाद लगभग मैं इसे चम्मच चला कर देख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दाल जो है आधे से ज़्यादा पक चुका है, पर थोड़ा सा हमें इसे और पकाना है। जो है हमारा दाल पककर तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इस चम्मच का जो पिछले वाला हिस्सा है उससे मैं इस तरीके से हल्का हल्का इसे मैश कर रही हूँ, पर हमें इसे पूरा ही मैश नहीं करना है, इसमें टेक्सचर बना रहना चाहिए। तो अब जो है हमारा दाल रेडी हो गया है। दाल की कंसिस्टेंसी को आप पानी डालकर एडजस्ट कर ले, जैसा आपका प्रेफरेंस हो। तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन रेस्टोरेंट में इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें स्मोकी फ्लेवर दिया जाता है, जो कि आप घर पर भी आसानी से दे सकते हैं। बस आपको चारकोल चाहिए। चारकोल को पहले अच्छे से गर्म कर देना है, बिल्कुल लाल होते तक। इसमें थोड़ा सा घी डालना है, और देखिए इस तरीके से धुआं उठने लगेगा, तो तुरंत आपको इसे कवर करके छोड़ देना है लगभग 5 मिनट के लिए। तो अब जो हमारा दाल रेडी हो गया है, इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ धनिया पत्ता डालना है। बारीक काट के हरा धनिया का पत्ता मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और अब बस हमें इसे मिक्स देना है। दाल को अगर आप ऐसे भी खाएंगे ना, तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन हम यहाँ पर दाल तड़का बना रहे हैं, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल, तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। 2 बड़े चम्मच घी लिया है यहाँ पर, और घी जैसे ही गर्म हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर मैंने सरसों डाला है, जो कि 1 छोटा चम्मच है। सरसों जब अच्छे से क्रैकल हो गया है, तो इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। जीरा भी जब अच्छे से क्रैकल हो गया है, तो यहाँ पर मैंने 3 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। इसके बाद बस हम यहाँ पर थोड़ा सा हींग डालेंगे, तो बस हमारा तड़का जो है वो तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और साथ में बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, तो बनाओ खाओ, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।